बारात में घुड़चढ़ी के दौरान हर्ष फायरिंग में बच्चे को गोली लगी। हालत गंभीर बताई जा रही है। पाबंदी लगने के बावजूद भी हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरठ में घुड़चढ़ी के दौरान हर्ष फायरिंग में 5 साल की बच्ची की आंख में गोली लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दूल्हे के रिश्तेदार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल मामला जानी थाना क्षेत्र के कलंजरी गांव का है। गांव के ही युवक का रविवार का विवाह उसकी बारात गांव सतवाई जानी थी। देर शाम गांव में घुड़चढ़ी की रस्म की जा रही थी। इस दौरान कुछ युवक हर्ष फायरिंग कर रहे थे। घुड़चढ़ी गांव के अनुसूचित जाति के सोनू के घर के पास पहुंची। इसी दौरान एक युवक की बंदूक से निकली गोली घर के बाहर खड़ी सोनू की 5 वर्षीय बेटी रिया की आंख में लग गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। यह पक्ष के लोगों ने घुड़चढ़ी में शामिल लोगों को घेर लिया। दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अलग किया व घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात तक गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर चाचा राजू के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि वह भी फरार है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। लोगों को समझाया गया। पुलिस ने आरोपियों पर मजबूत कार्रवाई करने की बात कही है, तब जाकर बारात को वहाँ से निकाला गया। ये कलंजरी गांव का मामला है। ये रिया नाम की 5 वर्ष की बच्ची थी और ये वहाँ खेल रही थी, बारात चल रही थी वहाँ पर। उसी में किसी ने हर्ष फायरिंग की और इसको फायर आर्म इंजरी हुई है आंखों में। यहाँ पर ICU में इसका इलाज चल रहा है। कंडीशन स्टेबल है और उसके संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, FIR लिखी जा रही है। ये चरण सिंह नाम के व्यक्ति हैं और उनके बेटे की बारात चल रही थी और ये सोनू नाम के व्यक्ति हैं, उनकी बेटी थी। अभी मौके पर पुलिस फोर्स है और जांच कर रही है इस संबंध में। कुछ लोग, कुछ पूछताछ के लिए कोई हिरासत में? हाँ, 2-3 लोगों से पूछताछ की जा रही है।